मेरे पीछे लोकेशन देख के थोड़ा सा आइडिया लगा लेंगे कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो भैया जो लोग बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इतना पावर नहीं आता, इतने दमदार नहीं होते, वो सिर्फ रोड पे चलने लायक होते, ज्यादा उनसे जो है आप ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते, ज्यादा स्टंट वगैरह नहीं मार सकते, तो भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों आज हमारे पास है होप की ऑक्सो इलेक्ट्रिक बाइक। आज मैं करने वाला हूँ एक्सट्रीम लेवल की ऑफ रोडिंग। एक्सट्रीम तो ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, बट ऐसा मान लीजिए कि बहुत तगड़े वाली ऑफ रोडिंग आज हम करने वाले हैं। और आज हम एक्चुअल में टेस्ट करेंगे कि ये गाड़ी कितनी दमदार है या नहीं। तो भाई जब ये गाड़ी आई थी ना, जब मैंने इसे सिर्फ देखा था, चलाया नहीं था, बहुत लोगों के मेरे पास पहले कमेंट भी आई थी कि भाई आपने गाड़ी का वीडियो तो बना दिया है, गाड़ी के बारे में बता दिया है, लेकिन अभी तक आपने इसको चला के नहीं देखा। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना सिर्फ चला, नॉर्मल तो सभी चलती है, रोड पे तो चल जाएगी, लेकिन क्यों ना अपन इसकी जो है ऑफ रोडिंग थोड़ा सा टेस्ट करते हैं और वो चला के आपको दिखाता हूँ कि भैया ये गाड़ी कितनी दमदार है या नहीं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना भैया अब इस गाड़ी का जो है असली टेस्ट किया जाए। और मैं इसे चलाने वाला हूँ लगभग 1000 किलोमीटर तक, और अभी जो है मैंने इसे लगभग 300 किलोमीटर चला लिया है, और अभी तक हम इसे 700 किलोमीटर और चलाने वाले हैं, तो लगभग 1000 से ऊपर हम इसे चलाएंगे। और फिर जो है उसके बाद में मैं आपको एक और अपना रिव्यू दूंगा कि 1000 किलोमीटर चलने के बाद में इसकी क्या सिचुएशन है। और सबसे पहली बात तो यार इसकी मजबूती, वो मैं आपको आज टेस्ट करवाने वाला हूँ। आज हम इसे हाईवे वगैरह पे नहीं चलाएंगे, आज सिर्फ और सिर्फ हम इसे ऐसे रास्तों में चलाएंगे जो बहुत खराब है, थोड़ा सा पहाड़ी एरिया है। वैसे तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे पूरा जो एरिया है ये पहाड़ी एरिया है, हम आगे जाने वाले हैं, इसको पूरा टेस्ट करने वाले हैं। तो चलिए जी तैयार हो जाइए, अब हम चलते हैं और इसकी टेस्टिंग करते हैं, फिर देखते हैं कि भैया आपको ये गाड़ी कैसी लगती है, उसके बाद में आपसे बात करते। चलते हुए मैं आपको बताता हूँ जो इस गाड़ी को जब मैंने चला के फील किया है, कैसी ये गाड़ी मुझे लगी है। तो तीन खास बातें जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। इसकी बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो इसके सेगमेंट में आने वाली जितनी भी पेट्रोल वाली बाइक है या फिर इलेक्ट्रिक बाइक है, उनमें इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे सबसे मजबूत लगी। मैंने इसे जो है नॉर्मल रास्तों पर मैं चला सकता था, बट मैं इसकी सिर्फ बिल्ड क्वालिटी चेक करने के लिए, इसके शॉकर सस्पेंशन को चेक करने के लिए, और इसमें किसी तरह की कोई वॉइस वगैरह तो आती है नहीं, वो सब कुछ चेक करने के लिए मैंने ऐसा जो है ट्रैक चूज किया जो कि जिसमें रास्ते पूरे खराब हो। और यहाँ पे जब मैंने इसको टेस्ट किया तो कहीं से भी इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे वीक नहीं लगी। दूसरी खास बात इसमें अगर पावर की बात करते हैं तो मोटर जो दी गई है 6.2 किलोवाट की BLDC मोटर जो कि 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल के देती है और 3.5 सेकंड में जो है 40 किलोमीटर हॉर की स्पीड कवर कर लेता है। पावर में अगर बात करूं तो आपको जो है पेट्रोल वाली बाइक्स की कंपैरिजन में देखें तो यहाँ पे जो आपको लगभग 90% जो है उनके कंपैरिजन में पावर ये कवर कर लेती है, तो काफी बढ़िया है। और इसका एक्सीलरेशन पावर भी काफी बढ़िया है। और तीसरी खास बात जो मुझे इसकी सबसे अच्छी लगी वो है इसका स्पोर्टी लुक, इसका न्यू जनरेशन लुक, वो काफी बढ़िया लगा। कहीं से भी देख के लगता नहीं है कि दूर से जब कोई देखेगा तो उसको लगेगा नहीं कि भैया ये एक इलेक्ट्रिक बाइक है, दूर से देखने पे काफी बढ़िया स्पोर्टी लुक इसका आता है। बाकी इसका लुक आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।
मौसम था तो हमने इसे जो है बारिश में जो पानी भरा हुआ था उसके अंदर भी भैया ढंग से जो है लेके गए हैं, और इसके पावर बिल्ड क्वालिटी और भी ज्यादा चेक करने के लिए हमने जो है इसे मिट्टी में भी आड़ी रेडी पटक के ढंग से टेस्ट किया है, और ड्रिफ्ट भी थोड़ा बहुत इसे लगाने की ट्राई किया था। हालांकि जो है ज्यादा पावर से तो ड्रिफ्ट नहीं लेता, बट छोटी मोटी ड्रिफ्ट अगर आपको करनी हो तो वो भी आप इससे कर सकते हैं। फाइनली हम आ चुके हैं, और एक बार अपना हेलमेट निकाल लेता हूँ यार, आवाज ठीक से नहीं आएगी। ओ भाई यार, मैंने जितना सोचा भी नहीं था ना उससे भी तगड़ी वाली इसमें तो भाई मजा आ गया यार, इतनी तगड़ी ऑफ रोडिंग करके। और गाइस एक चीज मैं बताऊँ आपको, इसके शोकर सस्पेंशन है ना वो इतने जबरदस्त है, कहीं से भी गाड़ी में मतलब एक तो आवाज नहीं आ रही थी बिल्कुल भी, पूरे रास्ते में जितनी मैंने टेस्टिंग की कहीं से भी आवाज नहीं आई गाड़ी में, और मुझे कहीं से भी लगा नहीं। हाँ एक अगर इसमें आवाज आ जाती है तब लगेगा कि मतलब पेट्रोल वाली बाइक चला रहे हैं, बस आवाज नहीं आ रही थी तो पता था कि इलेक्ट्रिक चला रहे हैं। बाकी मजबूती के मामले में और भाई साहब पावर के मामले में कहीं भी पीछे नहीं है ये। अब एक बार मैं आपको मेरी कंडीशन दिखा देता हूँ बिल्कुल। भाई मेरे जूते देखो, सबसे पहले तो पूरे मेरे जूते गीले हो चुके हैं। एक बार आपने पीछे देखा होगा पानी में हम जब गए थे वहां पे पूरे जूते गीले हो चुके हैं, और कपड़े भी मेरे बहुत गंदे हो गए। अब गाड़ी कितनी गंदी हो गई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई, यहाँ से पूरी गाड़ी में यहाँ पे पानी जा चुका अंदर, और इस टायर में भी आप देखो भाई पूरा इनमें सब में मिट्टी भर गई है, और भाई इसकी हालत कुछ इस तरह से हो गई है। आप लोग ही बताओ यार भाई गाड़ी आपको कैसे लगी, और दूसरी बात इलेक्ट्रिक वाली ऑफ रोडिंग आपको कैसे लगी वो आप मुझे कमेंट करके बताना। इलेक्ट्रिक से ऐसी ऑफ रोडिंग आज तक आपने नहीं देखी होगी तो इसके लिए जो है एक लाइक का बटन जरूर दबा देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप मुझे बताना क्या इसके ऐसे ऑफ रोडिंग वीडियोस और दूसरी जगह भी होने चाहिए नहीं होने चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट करके बताना। और भाई हमारी ऑफ रोडिंग देखने के लिए तो यहाँ पे देखो पीछे जो है बकरियां भी आ चुकी है। भैया हम है राजस्थान जयपुर वाले, तो हमारे यहाँ ऐसी जगह पे ये चीज होना आम बात है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और ऐसी ऑफ रोडिंग आप करें तो बिल्कुल सावधानी से करना। बस ये है हमारी मेहनत के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, भाई हमारे लिए बहुत हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। সবুজ পাহাড় কমলা সূর্য নিচে শিকারপুর।